नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज जदयू कार्यालय में हो रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यह बैठक ले रहे थे। साथ ही ललन सिंह ने प्रदेश अधिकारियों की बैठक के साथ उनका फीडबैक भी लिया कि जो जो जिम्मेदारियां उनको दी गई थी क्या कुछ उस पर अमल कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, पहले ये हम आपको सुनवाते हैं। बाकी तो हवा हो जाएगी चुनाव रिजल्ट के बाद, तब ना हम आपको बताएंगे कि कहाँ चले गए। बहुत बड़ा बड़ा दावा करते हैं, कोई जरूरत नहीं। एक सीट नहीं जीतेंगे और आने वाला चुनाव 2025 का देखिएगा कहाँ जाए। चिराग पासवान से तेजस्वी की नजदीकियां बढ़ी है, कल उन लोगों ने साझा की, दोनों को शुभकामनाएं। जितना कहा उतना ही समझिए ना, उतना हिसाब से क्यों निकाल रहे हैं। जो खबर 3 दिन से चला रहे हैं, 4 दिन से, ऐसा क्लास लगेगा, वैसा क्लास लगेगा, फलाना क्लास लगेगा, मास्टर स्कूल है नहीं, स्कूल है क्लास वाला दूसरा जगह, नहीं कोई स्कूल है क्लास वाला दूसरा जगह। पार्टी का जो काम होता है वो सभी लोग मिल के, सभी के सहयोग से पार्टी का काम होता है। लेकिन आप लोग तो अपने ढंग से चलाते रहते हैं, तो हम लोग उसका नोटिस भी नहीं लेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हम सीटों के तालमेल की बात करेंगे। अगर हमको तालमेल में सीटें मिली तो हम समझौता के साथ चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम अपनी पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव करेंगे। झारखंड में विधानसभा में जो पूरा बवाल मचा हुआ है कि नवाज पढ़ने के लिए जगह दिया जा रहा है तो हनुमान चालीसा के लिए भी जगह देना चाहिए, इसको लेकर के क्या लगता है? बिहार में झारखंड में चले जाइए, वहाँ के लोग कोई टास्क वगैरह भी नहीं है क्या? प्रकोष्ठ को काम करेंगे हम लोग, संगठन के विस्तार के लिए काम करेंगे और कुछ भी कर लेते हैं। बाकी ये 2010 में अकेले लड़े थे क्या? आप अपना थ्योरी का है हमारे मुंह में डाल रहे हैं। हमने कहा कि 2010 में हम अकेले लड़े थे क्या? नहीं, हम 2010 में अकेले चुनाव लड़े थे, 2019 में हम एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़े थे। आप अपनी बात को क्यों मेरे? तो आपने ललन सिंह को सुना कि प्रदेश पदाधिकारियों के बैठक के बाद ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही कि पार्टी में सबसे पहले अनुशासन बनाना होगा, पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल ही नहीं चलेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पार्टी 2025 के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। जो भी 2010 में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन अब 2025 में और भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। जो जो जिम्मेदारियाँ जिनको दी गई है साथ ही साथ उनसे जवाबदेही भी मांगी जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जदयू एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, 2025 का लक्ष्य उनके सामने है और 2025 में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम एनडीए के गठबंधन में हैं, लेकिन हमने सीटों के लिए मांग की है, अगर सीट मिलता है तो हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर पार्टी के विस्तार को लेकर के जदयू अकेले उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ सकती है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।